हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो शाम की बजी है 4:30 और 4:30 बजे से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है और वीडियो की शुरुआत हुई है किचन से। तो किचन में मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। एक बार पहले भी आई थी किचन में जब मैं अपने लिए चाय बना के लेके गई, चाय बना के मैंने पी ली, वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी मैं आई हूँ किचन के अंदर अगेन, डिनर की मुझे तैयारी करनी है। और डिनर के अंदर एक्चुअली पहले तो मेरा मन था कि मैं रोटी सब्जी बनाऊं, मतलब दाल रोटी बना देती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे हुआ कि नहीं, दाल रोटी नहीं बनाते हैं क्योंकि मम्मी जी बाबूजी भी आए हुए हैं और 2 दिन हो गए उनको आए हुए, तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ अलग सी कोई डिश बना दी जाए जो उन्होंने बहुत दिन से खाई नहीं है और बच्चों को भी बहुत पसंद है ये वाली रेसिपी, तो मैंने सोचा कि चलिए यही बना देते हैं। तो अच्छा, अभी जो मैं वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप कोई गेस करके मुझे बता सकता है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर आप है ना वीडियो को स्किप करके या तो आगे चले जाएंगे, नहीं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ देंगे। तो मैं बना रही हूँ सूजी की इडली और सांभर। सांभर बनाऊँगी अपने स्टाइल वाला, साउथ इंडियन में प्रॉपर, ये तो नहीं कह सकती कि प्रॉपर साउथ इंडियन वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, अपने स्टाइल वाला बनाऊँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले ली है दाल, तुअर की दाल ले ली है, तुअर की दाल ही डलती है सांभर के अंदर। उसको अच्छे से पानी से मैंने वॉश किया और वॉश करने के बाद में कुकर के अंदर डाला, थोड़ा सा डाल दिया है पानी और थोड़ी सी डाली उसके अंदर हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, इससे दाल थोड़ी सी जल्दी पक जाती है। और साथ में मैंने डाली थी दूधी और थोड़ा सा उसके अंदर डाला, 2 टमाटर भी डाले थे ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, और साथ में डाला था मैंने सांभर मसाला। तो जब भी हम दाल को बॉईल करते हैं सांभर के लिए, तो उसी समय यदि सांभर मसाला डाल दिया जाए ना, तो काफ़ी अच्छा सांभर बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना यदि आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं। तो चलिए वो जब तक दाल पकेगी तब तक इधर सूजी की जो इडली है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं इडली सांभर की रेसिपी अपने चैनल के ऊपर 2 बार अच्छे से शेयर कर चुकी, लेकिन उसके बाद में भी मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं कि दीदी प्लीज़ सांभर की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। और एक बार ये भी कमेंट आया था कि सूजी की इडली आप कैसे बनाते हैं, हमारी इडली जो है ना वो गीली गीली सी बनती है और फुलती भी नहीं इतनी अच्छी सी जैसे कि आपकी बनती है। तो हो सकता है उन्होंने मेरा वीडियो जो है वो पूरा नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए। आप है ना बीच में छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं कि आपने ये शेयर नहीं किया, वो नहीं शेयर किया, आपने ये नहीं बताया, जबकि मैं जो बताती हूँ वो अच्छे से ही आपको बता देती हूँ। जैसे कि कोई रेसिपी बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई रेसिपी नहीं है या फिर आपको बताने लायक है तो मैं डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत से नए नए लोग भी जुड़ते हैं ना चैनल के साथ में, तो उन्हें पता भी नहीं होता है, फिर वो पुराने वीडियोज़ में से सर्च करके निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखो रेशियो ये रहता है कि यदि आपने एक कटोरी सूजी ली है तो उसके अंदर आपको आधी कटोरी खट्टा वाला दही मिलाना है, और यदि दही खट्टा नहीं है तो 1 कटोरी जितना आपको दही उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप पानी मिलाइए, और कंसिस्टेंसी आपको दिख ही रही होगी वीडियो के अंदर कि किस तरीके की, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो मैं अभी घर में 6 लोग हैं तो 6 लोगों के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। तो मैंने 1.25 किलो सूजी ली है और एक ही साथ में सारा ही मिक्सचर जो है वो एक बार तैयार कर लिया है। अच्छा, दही डाला था, थोड़ा सा मैंने उसमें पानी भी डाला था और शुगर डाली थी उसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला था। तो बस इतनी ही चीज़ें होती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डाल सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपकी बिगड़ जाएगी, खाली ये है कि आपको थोड़ा सा दही जो है वो सोच समझ के डालना है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं डालना है, तो आपकी सूजी जो है वो एक बार में ही परफेक्ट, सूजी की जो इडली है वो एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगी। तो बस अभी मैंने सारा ही मिक्सचर एक बार तैयार कर लिया था, और उसके बाद में एक बार में जितनी इडली बनेगी उतना मिक्सचर मैंने दूसरे बाउल में लिया, और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इनो डाला। तो इनो जो है आपको एक, मतलब सारे ही मिक्सर में ऐड नहीं करना है, एक बार में जितनी आप इडली बना रहे हैं उतना ही मिक्सर आपको लेना है और उसके अंदर आपको इनो मिलाना है। इनो नहीं है तब खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ इनो का अच्छा टेस्ट आता है सूजी के अंदर, तो इडली के अंदर सॉरी, तो मैं वही डालती हूँ। तो बस अभी मैंने स्टीमर जो है वो पहले ही, इडली कुकर जो है वो पहले ही रख दिया था गरम करने के लिए, और अभी जल्दी से अंदर इडली रख दी है और दाल जो है वो बॉईल हो रही है, इधर सांभर के लिए तड़का तैयार कर देंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने लिया था तेल और उसके बाद में उसके अंदर डाला था थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि सांभर के अंदर मेथी दाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर राई डाली थी, जीरा डाला था, हींग डाला था, 2 हरी मिर्ची भी डाली थी, करी पत्ता डाला था। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं, इनमें से आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। उसके बाद में मैंने बहुत बेसिक वाले मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और
थोड़ा सा सांभर का मसाला मैंने और इस टाइम पे ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी दाल के अंदर डाल चुके हैं, और जब मसाले अच्छे से पक गए तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी। तो सांभर हमारे घर के अंदर तो पतला खाना ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं पानी ज़्यादा ऐड करती हूँ। आप आपके घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बस इधर जो तड़का जो है वो भी बन गया है, मतलब उबल रहा है, उधर इडली भी बन रही है, और इडली सांभर तो खैर बन रहा है, रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यही है कि बाऊजी को इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती है, मतलब कि मेरे ससुर जी उनको थोड़ी कम पसंद आती है चीज़ें, तो मैं एक रोटी उनके लिए ज़रूर बना देती हूँ। इडली सांभर भी रखूँगी, उनको पसंद आएगा तो वो खाएँगे, नहीं तो फिर वो रोटी खा लेंगे, ऑप्शन होना चाहिए। तो इधर देखिए दाल जो है वो भी, मतलब मैंने कम से कम 4 से 5 सीटी ली थी ताकि दाल लौकी टमाटर ये अच्छे से गल जाने चाहिए अंदर। अच्छा, सांभर का जो मैंने तड़का तैयार किया था ना उसके अंदर मैंने इमली भी डाली थी, तो इमली ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, बिल्कुल ऑथेंटिक जो आप सांभर खाते हैं ना साउथ इंडियन होटल्स के अंदर, तो वैसा कलर भी आता है इमली से और टेस्ट भी आता है। तो वो भी मैंने डाला था, और थोड़ी सी शुगर भी डाली थी सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डालनी है, थोड़ी ही, मतलब मैंने आधा पौन चम्मच इतना ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाली थी। और इधर दाल जो है वो अच्छे से पक गई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने उसको अच्छे से विस्क कर दिया ताकि सारी की सारी जितनी भी सब्जियां वगैरह है ना वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। मतलब लौकी वगैरह ये ना बच्चों को खानी अच्छी नहीं लगती है, तो अगर आपके भी बच्चे हैं मेरे बच्चों की जैसे लौकी वगैरह या कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो आप इस तरीके से सांभर के अंदर डाल के उनको खिला दीजिए, वो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो मतलब पूरी ही सांभर जो है वो चट कर जाएंगे। और इधर 15 से 20 मिनट हो गए थे तो इडली मैंने चेक करी, वो अच्छे से बन गई है। तो देखिए कितनी अच्छी से इडलियाँ बन जाती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इडली सांभर जो है वो तैयार हो गए हैं, तो मैंने देखो 2 प्लेट जो है वो तैयार कर ली, एक मम्मी जी के लिए करी, एक बाऊजी के लिए करी है, जिसके अंदर रोटी है वो है बाऊजी के लिए प्लेट, और दूसरी वाली जो है वो है मम्मी जी के लिए प्लेट। दादी क्या खा रहे हो? इडली। कैसी है? अच्छी है। दादू कैसी बनी है इडली? अच्छी। ठीक है। बन ही गई थी, और जैन साहब भी आ गए थे और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो हम सबका खाना हो गया है। और खाना तो बन गया है, लेकिन एक लास्ट बेच मैंने इडली का एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि बच्चों को जो मसाला इडली होती है ना फ्राइड इडली, वो बहुत ही पसंद आती है बच्चों को, क्या हम सबको पसंद है, तो इसके लिए मैंने एक बेच एक्स्ट्रा बनाया है। तो उसको तो मैं कैसरोल के अंदर रख दूँगी, तो मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के अंदर मैं ये वाली इडली जो है वो रखूँगी। तो बस अभी इडली जो है वो बन गई है, और बर्तन जो है ढेर सारे बर्तन हो गए, तो बर्तन की तो आप पूछो ही मत, जब भी इस तरह की रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना खाने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि उनको आप साफ़ कर करके आपके हाथ दर्द होने लग जाते हैं, लेकिन फाइनली मैंने सारे ही बर्तन साफ़ कर दिए। और अब ये जो वीडियो है वो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, क्योंकि उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अभी सुबह की बजी है करीबन 7:30, मैंने मतलब उठने के बाद में बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा, और आने के बाद में मैंने शावर भी ले लिया था, और अभी हम मंदिर जाने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन घड़ी देखी तो 15 मिनट बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलिए 15 मिनट बाकी है तो टाइम बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से थोड़ी बहुत जो घर की क्लीनिंग मतलब जितनी हो पाए उतनी कर लेते हैं, ताकि मंदिर से आने के बाद जितना काम कम होगा ना उतना अच्छा है। तो अभी बस मैंने जो हॉल है उसको क्लीन कर दिया है, और जैन साहब देखो वो बैठे वेट कर रहे हैं, वेट क्या कर रहे हैं, वो मुझे पिंच कर रहे हैं कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, और मुझे पता है मैं घड़ी की तरफ देखती जा रही हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि ना मंदिर जाने के पहले जितना काम मैं कर पाऊँ उतना कर लूँ, और वो देखो खड़े भी हो गए। लेकिन हाँ, ये कमरे की क्लीनिंग तो मैं करके ही जाऊंगी। तो डाइनिंग टेबल जो है वो मतलब साफ़ किया था मैंने रात को ही, लेकिन बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सामान उसके पर रख ही देते हैं। और इसके अलावा बाहर बहुत सारे शूज़ जो है वो बिखरे हुए थे, तो वो भी मैंने शू रैक के अंदर जमा दिए, और बस अभी थोड़ा बहुत और जो काम है जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो फर्नीचर है ना, ये मैं जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री करते हैं मेन गेट उसके जस्ट पास वाला फर्नीचर है, और ये फर्नीचर तो आप समझ लो कि बच्चे पता नहीं इसको क्या ही समझते हैं, जितनी
भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस ये जो फर्नीचर है ना, मतलब इन कैबिनेट्स की क्लीनिंग मुझे वीक में कम से कम 2 से 3 बार करनी ही पड़ती है, और जब भी करती हूँ तो ढेर सारे उसके अंदर थे कागज़, और इसके अलावा बहुत सारे पॉली बैग्स होते हैं वो कभी क्या ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा कुछ सामान मैंने जियो मार्ट से मंगाया था तो वो भी कल मतलब शाम को ही आ गया था, तो वो भी मैंने अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। और अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है जब हम मंदिर से आ गए थे, तो बीच उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब क्या है मम्मी जी बाबू जी भी साथ में रहते हैं ना, तो मुझे ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, तो हर टाइम मैं ना मोबाइल को अपने सामने नहीं रख पाती हूँ। तो ऐसे ही है ना कि कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें रह भी जाती हूँ। और ये देखो इटली। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ था कि कल रात को मैंने आपको बताया था ना कि इटली का बेच मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया, क्योंकि मुझे बच्चों के टिफ़िन के अंदर उनको फ्राई करके देना है इटली को। लेकिन मॉर्निंग में हुआ क्या कि मैं जैसे उठी हुई, उठने के बाद में जैसे ना नींद पूरी नहीं होती आजकल, मतलब रातें ना काफ़ी लंबी हो गई, सुबह जब मैं उठती हूँ बिल्कुल अंधेरा होता है, इवन जब बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं ना जब उनकी बस आती है तब भी अंधेरा ही हो रहा होता है। तो ऐसे में ना नींद तो बिल्कुल पूरी होती नहीं, और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने रात को इडली बनाई थी, और सुबह जल्दी जल्दी में मैंने ना पोहे बना के उनके टिफ़िन में भर दिए। आज बच्चे ना स्कूल से आके मेरे से लड़ाई करने वाले हैं, क्योंकि रात को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी सुबह आप इडली ही भरना टिफ़िन के अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं, आके वो गुस्सा तो करेंगे लेकिन जैसे ही फ्राइड इडली देखेंगे ना वो खुश हो जाएंगे। तो अभी बस जल्दी से मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, तो अभी हम लोग नाश्ता तो खैर करेंगे नहीं, ये जो बना रही हूँ फ्राइड इडली वो खाने के साथ में ही खाई जाएगी, क्योंकि नाश्ता खाना सब हम लोग का साथ में ही होता है, आप सबको पता ही होगा नाश्ता हमारे घर के अंदर कम ही बनता है, मतलब कभी कभी बन जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनता है, कभी कभी बनता है, बाकी हम लोग खाना मॉर्निंग में जल्दी ही खा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है फ्राइड इडली, कौन कौन बनाता है मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना, और बहुत ही आसान है बनाना। कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल रखा था, थोड़ा तो नहीं थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके अंदर डाली थी राई, जीरा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे जीरा कम पसंद आता है, मैं राई डाली थी थोड़ी सी, थोड़ा सा हींग डाला था, उसके बाद मैं ढेर सारी हरी मिर्ची और करी पत्ता, और हरी मिर्ची ज़्यादा इसलिए डाली क्योंकि बिल्कुल भी तीखी नहीं है, यदि आपके पास में तीखी है तो आप 2 से 3 हरी मिर्ची ही डालें, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्ची नहीं गिरती है ना, तो इसके लिए हरी मिर्ची मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। और थोड़ा सा फिर नमक डाल दिया, थोड़ा सा शुगर डाल दिया, और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाला, क्योंकि रात की इडली है ना तो रात भर सूजी होती है तो उसकी वजह से वो थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, और लास्ट में इसके अंदर 2 मैंने बड़े नींबू डाले थे क्योंकि इडली जो है वो ज़्यादा है, तो आपके पास में यदि इडली कम है तो आप नींबू की क्वांटिटी कम रखें। खट्टी मीठी बनती है रेसिपी, काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मीठापन तो नहीं होता है, हल्का सा से मैंने मसालों को बैलेंस करने के हिसाब से डाला था। तो ये देखिए फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी लगती है बच्चों के टिफ़िन में, तो बच्चे खुश हो जाते हैं जब भी मैं इस तरह की चीज़ें भरती हूँ ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इडली फ्राई हो गई है, और अब इधर मैं जल्दी से सब्जी भी बना दूंगी, तो सब्जी बनाने वाली हूँ आज मैं काचरे की, और ये जो है वो हमारा राजस्थानी काचरी नहीं है, इसको काचरा बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में मिलता है, हमारे उधर तो मैंने कम देखा लेकिन यहाँ पर तो मिलता ही है, बिल्कुल जैसे पपाया के जैसे ही होता है। एक्चुअली मुझे आपको बताना था इसको चॉप करने के पहले ही, लेकिन मैं जब नहाने गई थी ना तो पीछे से मम्मी जी ने इसको सब्ज़ी साफ़ करके रख दी थी, तो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई कि ये कैसा दिखता हो, आप सबको खैर पता ही होगा, लेकिन अगर मैं एक बार बता दूँ तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आप सब्ज़ी किसकी बना रहे हो, क्योंकि आपके ना क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में कि दीदी आप सब्जियां बताते हो तो उसका नाम भी बताया करो, कोई भी रेसिपी आप शेयर करते हो ना तो नाम बताया करो, डिटेल में बताया करो। तो मैं कोशिश तो करती हूँ आप सबको चीज़ें बताने की, हो सकता है कभी कोई चीज़ रह भी जाती हो, लेकिन हाँ कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ। ठीक है, तो काचरी की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और खाना जो है अब हम सबका खाना हो गया है, और अब मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो मॉर्निंग में मैंने जो लिविंग रूम है उसकी क्लीनिंग तो कर दी थी, और बेडरूम की भी कल मैंने हेडरेस्ट वगैरह क्लीन कर दिया था, लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था बाहर से, और आजकल है ना मौसम इस तरीके का हो रहा है कि इतनी ज़्यादा डस्ट ही डस्ट लगती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे घर के अंदर है ना डस्ट जम जाती है, झाड़ू पोछा करके जब जाती है ना आंटी तो उसके आधे घंटे के बाद में ही घर के अंदर मुझे मिट्टी मिट्टी सी दिखने लग जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो आज मैंने सोचा कि चलिए इसी की साफ़ सफाई कर ली जाए। तो
तो दिवाली पर मैंने अपने पूरे ही घर की डीप क्लीनिंग करी थी, सारी वार्डरोब्स वगैरह ड्रेसिंग टेबल सब भी क्लीन किए थे, और सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो भी मैंने आपके साथ में डिटेल में शेयर किए हुए हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, आपको पसंद आएंगे। और उसके बाद में फिर मैंने ना पूरे ही घर की क्लीनिंग जो है वो करती तो हूँ, लेकिन हाँ इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रोज़ इतना पॉसिबल भी नहीं होता है, घर के बहुत से काम भी होते हैं। लेकिन हाँ आज मैंने अपने रूम की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करी है, सारी वार्डरोब जो है वो बाहर से अच्छे से साफ़ करी है, ड्रेसिंग टेबल जो है उसको भी मैंने बाहर से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और लास्ट में ये जो बेड है इसकी बेडशीट जो है उसको साफ़ करनी थी तो वो भी मैंने अच्छे से कर दी है, और अब इस कम्फर्टर को भी मैंने अच्छे से लगा दिया। इसी के साथ में ही मेरे घर की जो क्लीनिंग है, पूरी हाउस क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में मेरा वीडियो जो है वो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। किसी भी पॉइंट पे मेरा वीडियो पसंद आया हो, रेसिपीज पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।